आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रयागराज में महाशक्ति शंखनाद कार्यक्रम के शक्ति पुत्र महाराज ने बागेश्वर धाम बाबा को खुली चुनौती दे दी है। दरअसल महाराज प्रयागराज में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने और वहां मौजूद लाखों कार्यकर्ताओं ने नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त रहने का प्रण लिया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि सभी शंकराचार्य के सामने चमत्कार करें, नहीं तो जोशी मठ की जमीन को 100 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज आध्यात्मिक नगरी है और प्रयाग की भूमि से हमेशा से दुनिया को संदेश जाता रहा है। आज गुरु जी ने भी इसी बात को कहा कि हमको नशा मुक्त होना है, हमको मांसाहार मुक्त होना है, चारित्रिक रूप से अपने नैतिक बल को आगे बढ़ाना है और विचारवान हमें बनना है। और आज हर परिवार के, समाज की, देश की और दुनिया की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर इन विचारों पर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मानवता का कल्याण होगा और जिस उद्देश्य के लिए हमारे महापुरुषों ने त्याग और तपस्या की है उस ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। और आज इसी क्रम में यह महाशिविर लगा था। नगरी प्रयागराज में अगर बीता दिनों की बात की जाए तो अभी हाल ही में यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला बीता है। कहा जाता है कि जितना एक यूरोपीय देश की जनसंख्या है उससे ज्यादा लोग एक दिन में संगम में स्नान करते हैं। माघ मेला बीत जाने के बाद आज संगम नगरी प्रयागराज में संघ का महाकुंभ देखने को मिला है और यहाँ पर जिस तरीके से भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक महाराज शक्तिपुत्र महाराज जी ने बागेश्वर धाम को खुली चुनौती दी है, किस तरह की चुनौती दी है, किस तरीके का यहाँ पर शिविर लगाया गया है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी जी हैं। हमसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से महाराज जी ने बागेश्वर धाम को खुली चुनौती दी है और किस तरीके से यहाँ पर शिविर लगाए गए हैं। निश्चित रूप से ये प्रयागराज की धरती का सौभाग्य है। ये 126वां महाशक्ति शंखनाद का कार्यक्रम प्रयागराज को मिला, इसके लिए मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और प्रयागराज के लोगों को बधाई देता हूँ। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, धर्म की रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा का संकल्प के लिए लगभग आपने देखा होगा कि 1 लाख से अधिक लोगों ने शंखनाद किया है आज। और रही बात चुनौती की, तो गुरु जी ने हर मंच से जितने भी धूम पाखंड हो रहा है समाज में उसके विरुद्ध आवाज उठाई है। आज गुरुदेव जी ने एक विषय में कहा कि जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि अगर जो पर्ची बनाने वाले लोग हैं, बागेश्वर जी और तमाम लोग हैं, अगर इनके पास शक्तियां हैं तो जोशी मठ का जो जमीन का इतना बड़ा मामला हुआ है उसको ठीक कर दें। तो गुरुदेव जी ने कहा है अगर देश के सभी शंकराचार्य एक मंच पे उपस्थित होते हैं, एक आयोजन ऐसा किया जाए और जितने भी पर्चा बनाने वाले बाबा लोग हैं देश के अंदर 4-5, वो अगर ये काम नहीं करके दिखा सकते तो गवर्नर ने कहा कि वो 100 साल के लिए जोशी मठ की जमीन को स्थिर कर देंगे। तो बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि क्यों संगम नगरी प्रयागराज में आज संतों का महाकुंभ देखने को मिला है। अगर बात की जाए शिविर की तो शक्तिपुत्र महाराज जी ने बागेश्वर धाम को खुली चुनौती दी है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।